संत निरंकारी सत्संग भवन में निरंकारी प्रचारक पंडित मोहम्मद गफ्फार खान ने अपना संदेश दिया। उन्होंने सभी को सीख दी कि केवल मुंह से बोलने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता, जबकि आत्मा से सत्संग धारण किया जाता है। दिल्ली से 10 दिवसीय आध्यात्मिक प्रचार यात्रा पर निकले पंडित की उपाधि से नवाजे निरंकारी प्रचारक मोहम्मद गफ्फार खान ने शुक्रवार को अंतिम पड़ाव के तहत मथुरा हाईवे नवादा स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर आयोजित सत्संग में निरंकारी मिशन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो जुबान से प्रभु का नाम नहीं लेता वो मेढक के समान होता है, जो सिर्फ टर टर करता है। बातें करने से कल्याण होने वाला नहीं, मन वचन और कर्म से प्रभु परमात्मा का नाम लेना होगा। पंडित गफ्फार खान ने रामचरित मानस की कई चौपाइयां को सुनाते हुए समझाया कि जो लोग सत्संग ध्यान से नहीं सुनते और बातें करते हैं और सो जाते हैं, उनको सत्संग जाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि सत्संग में जयकारा इसलिए लगवाया जाता है ताकि हम जागे रहें और संतों के वचन सुनते रहें। प्रचारक संत ने कहा कि निरंकारी मिशन सत्य, ज्ञान, प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रहा है। मिशन ने परमात्मा और खुदा के भेद को दूर किया है और हर इंसान को परम सत्ता से जोड़ा है। ज्ञान मिले मेरा
गुरु।